नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को मेरा नाम अभिषेक है लोक आस्था का महापर्व का चौथा दिन है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर पारण किया जाता है और ये पर्व समाप्त होता है आपको मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले आपको बूढ़ी गंडक नदी किनारे की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर जो स्क्रीन पर जो आपकी तस्वीरें चल रही हैं वो देखिए किस तरीके से वहाँ पर छठ मनाया जा रहा है काफ़ी उत्साह है वहीं प्रशासन की भी मुस्तैदी है बैरिकेडिंग बनाई गई है खत खतरनाक घाट को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन खुद मॉनिटरिंग कर रहा है वहीं आपको दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं आश्रम घाट की सीढ़ी घाट की अनेकों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोक आस्था के महापर्व का चौथा दिन है और आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर यह पर्व समाप्त होता है जिसको लेकर हम साहू पोखर पड़ाव पोखर समेत कई इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है डीएमएसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ड्रोन से निगरानी की जा रही है अलग अलग जगहों पर मजिस्ट्रेट और अधिकारी की तैनाती की गई है साथ ही साथ आपको कुछ अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा जो सेंट्रल जेल है उसमें भी छठ मनाया जा रहा है 100 महिला बंदी और पिचासी पुरुष बंदी आस्था के महापर्व छठ को कर रहे हैं जिसको लेकर जेल प्रशासन ने कई सारी व्यवस्थाएं की हैं उन्हें पूजन सामग्री उपलब्ध कराई है साथ ही साथ कपड़े उपलब्ध कराए हैं और काफ़ी जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत तस्वीरें हैं सेंट्रल जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश दुनिया के साथ जेलों में भी आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं वहीं ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में बागमती नदी किनारे भी छठ मनाया जा रहा है लोग अपने अपने घर और दरवाजे पर भी छठ कर रहे हैं और काफ़ी जो माहौल है काफ़ी अद्भुत माहौल है और लोगों को काफ़ी खुशनुमा माहौल है आस्था का महापर्व आज चौथा चौथा दिन है और देख सकते हैं किस तरीके से उगते हुए सूरज को अर्घ देना लोगों ने शुरू कर दिया है और अर्घ दिया जा रहा है इस दौरान काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर से और हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं किस तरीके से आश्रम घाट सीढ़ी घाट हो या कोई भी घाट हो मुजफ्फरपुर का वहाँ सैकड़ों की संख्या में लाखों लाखो की तादाद में भीड़ है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में काफी उत्साह है अलग अलग जगहों हमने जब महिलाओं से बातचीत की तो उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है हाँ काफी खुशी है बीस साल से शादी <laughs> के बीस साल बहुत बहुत खुशी है काफी खुशी है काफी खुशी है तो हम हाँ कितने साल से कही पचासो साल से बहुत खुशी है इस पर्व के देख के बहुत खुशी की बात है हाँ पर्व पर्व समाप्त हाँ बहुत खुशी पंद्रह सोलह साल से हाँ हाँ, हाँ। महिलाओं ने अपनी अपनी बात कही है काफ़ी खुश है कोई पंद्रह साल से कर रहा है कोई दस साल से कर रहा है कोई सासू माह के बाद बहू ने छठ उठाया है तो काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं वहीं प्रशासन की बात की जाए तो डी एम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं एस और एन की तैनाती की गई है कोई भी घटना ना हो पाए इसको लेकर एन की टीम नदी घाट हो या तालाब हो हर जगह मॉनिटरिंग कर रही है सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है और चौथे दिन आज डूब उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये पर्व समाप्त हो रहा है तस्वीरें हम आपको अनेकों जगह की दिखा रहे हैं किस तरीके से उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और काफ़ी उत्साह है और परिवार मिलजुल कर एक साथ ये छठ महापर्व महा मना रहा है तो बने रहिए। है लाइव के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए को लाइक करिए